तो कौन है प्रज्वल रेवन्ना और क्या है इस पूरे सेक्स स्कैंडल की कहानी? नरेंद्र मोदी इसके यौन कुकृत्यों के बारे में पूरी तरह से जानते थे, सब पता था नरेंद्र मोदी को। क्या सिद्धारमैया की आंखों में तब पट्टी लगी हुई थी, या फिर इतने सालों बाद भी सिद्धारमैया महिलाओं के साथ हो रहे इस अत्याचार को बोलने में असमर्थ थे? वो सांसद कम पॉर्न स्टार 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। प्रज्वल रेवन्ना जिसके लिए मोदी जी भरे मंच से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हासन लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमार स्वामी, आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। तत्कालीन सांसद एनडीए के लोकसभा प्रत्याशी वो प्रज्वल रेवन्ना जिसके ऊपर सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का आरोप लगा है, वो सांसद कम पॉर्न स्टार की भूमिका निभाते ज्यादा नजर आते हैं। तभी तो 2000 से भी ज्यादा अश्लील वीडियोस वायरल हो गए जिनमें प्रज्वल रेवन्ना कथित तौर पर इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। तो कौन है प्रज्वल रेवन्ना और क्या है इस पूरे सेक्स स्कैंडल की कहानी, हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना और उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना एक सेक्स स्कैंडल में बुरी तरह से फंस गए हैं। इसके बारे में आप भी सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप उठेगी। जनता का मसीहा कहलाने वाला नेता देश की ही बेटियों की इज्जत लूटकर हवस का शिकार बना रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। कुछ दिन पहले हासन में 2000 से भी ज्यादा अश्लील वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें कथित तौर पर रेवन्ना वीडियो में महिलाओं की आबरू लूटते नजर आ रहा था, और इसके ठीक बाद रेवन्ना के घर पर काम करने वाली मेड ने FIR दर्ज कराई। उसने HD रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल पर यौन शोषण का आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि हाल ही में प्रज्वल रेवन्ना के कथित यौन शोषण वाले वीडियो वायरल हुए हैं जिसे देखकर वो डर गई थी। पति भी शक करने लगा था और डर था कि अगर हमारा वीडियो भी बाहर आ गया तो हम क्या करेंगे। FIR के बाद इस मामले में पुलिस ने IPC की धारा 354A यानी कि यौन शोषण, 354D यानी कि पीछा करना, और इसके साथ ही 506 यानी कि धमकाना, और 509 जिसका मतलब है बोलकर या इशारों से महिला की गरिमा का अपमान करना, इन सभी धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता होले नरसिंहपुर की रहने वाली है। उसका पति HD रेवन्ना की मिल्क डेयरी में मजदूरी करता है। दावा है कि पीड़िता HD रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि 2019 में रेवन्ना ने अपने बेटे सूरज रेवन्ना की शादी में काम करने के लिए उसे अपने घर बुलाया था और तभी से वो रेवन्ना के घर में काम कर रही है। उसका कहना है कि रेवन्ना अपने कमरे में बुलाता था और दुष्कर्म को अंजाम देता था। रेवन्ना के घर में पीड़िता के साथ साथ 6 और महिला कर्मचारी भी काम करती थी और वो सभी महिलाएं रेवन्ना के आते ही डर जाती थी, और घर में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों ने महिलाओं को रेवन्ना से सावधान किया था। पीड़िता का आरोप है कि जब रेवन्ना की पत्नी घर पर नहीं होती थी तो वो उसे स्टोर रूम में बुलाता था और वहाँ उसके साथ यौन शोषण करता था। FIR के मुताबिक रेवन्ना यही नहीं रुका, वो महिलाओं की मासूम बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था और उनके शरीर को नोच कर उन्हें चीर कर अपनी भूख शांत करता था। रेवन्ना कई सालों से ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वायरल वीडियो में 4 से 5 साल की मासूम बच्चियों का होना भी बताया जा रहा है। सैकड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद रेवन्ना भारत से भागकर जर्मनी में मौज मना रहा है, और इस पूरे मामले की जांच के लिए सरकार ने SIT की एक कमेटी
गठित की है। कर्नाटक महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने एसआईटी जांच की मांग की थी। 3 सदस्यों की एसआईटी की अध्यक्षता एडीजीपी विजय कुमार सिंह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एसआईटी को जल्द से जल्द जांच पूरी करने का आदेश दिया है। हम आगे बात करें, लेकिन उससे पहले आप कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का ये बयान सुन लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ किस्से, कुछ चीजें आप पढ़ते हैं तो लगता है कि ये पिक्चर का सीन चल रहा है, ये किसी घिनौनी गंदी पिक्चर का सीन चल रहा है, लेकिन फिर पता चलता है ये यथार्थ है। और घिन आने लगती है ऐसे लोगों से, घिन आने लगती है ऐसे समाज से, घिन आने लगती है ऐसे नेताओं से जो इन लोगों को बढ़ावा देते हैं। ये पिक्चर गले में पटका डाले हुए भारतीय जनता पार्टी का, ये पिक्चर प्रज्वल रेवन्ना की है। यहां मंच पर मोदी जी के साथ अभी 14 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना हासन से एमपी है, ये देखिए मोदी जी के वृहद परिवार का हिस्सा है। ये पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जी के पोते हैं, पौत्र हैं। मोदी जी के, मोदी का परिवार वाले वृहद परिवार का भी हिस्सा है। 14 अप्रैल की ये फोटो है, 14 अप्रैल बमुश्किल 2 हफ्ते पहले की। ये जेडीएस से सांसद हैं, हासन से बीजेपी और जेडीएस के साझा उम्मीदवार हैं। 2 हफ्ते पहले जब मोदी इनके साथ मंच साझा कर रहे थे मैसूरु में, तो इनकी खूब तारीफ करी थी, इनकी पीठ ठोकी थी और इनके लिए वोट मांगा था। 14 अप्रैल को, इसी महीने की 14 तारीख को ये नेता देश से फरार हो चुके हैं। और अगर आप इनके जघन्य अपराधों को सुन लीजिएगा तो दिल दहल जाएगा, और एक औरत होते हुए थोड़ी बोलने में भी शर्म आती है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन तहस नहस करने के बाद ये आदमी देश छोड़कर भाग गया है। इस आदमी के हजारों पोर्न वीडियो वायरल हैं, हजारों पोर्न वीडियो, और उस पोर्न वीडियो में ये हर उम्र की औरत के साथ जोर जबरदस्ती करता हुआ दिख रहा है, ये हर उम्र की औरत के का यौन शोषण करता हुआ दिख रहा है। उनकी असहमति के बावजूद, और इसमें इसके घर पर काम करने वाली महिलाएं हैं, पार्टी की कार्यकर्ता है, पार्टी की सांसद है, जिला पंचायत की सदस्य है, यहां तक कि एक 63 साल की घर पे काम करने वाली महिला जो हाथ जोड़ के कह रही है ऐसा मत करो, यह रिकॉर्डिंग ये खुद करके और एक पेन ड्राइव में इनकी सारी रिकॉर्डिंग मिली है। क्या मोदी जी इसकी दरिंदगी के बारे में जानते थे या अनभिज्ञ थे? नरेंद्र मोदी इसके यौन कुकृत्यों के बारे में पूरी तरह से जानते थे, उनको हर बात का पता था, उनको पता था कि इसके हजारों अश्लील पोर्न वीडियो है जहां पर इसने औरतों के साथ जघन्य यौन उत्पीड़न का काम किया है, सैकड़ों औरतों की जिंदगी बर्बाद करी है, उसमें हर उम्र की महिला शामिल है, बुजुर्ग 63 साल की काम करने वाली घर पर से लेकर सांसदों और कार्यकर्ताओं तक, सब पता था नरेंद्र मोदी को, सब पता था 14 अप्रैल को जब वो मिल रहे थे, सब पता था जब उसको अपना साझा उम्मीदवार बना रहे थे। तो आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कैसे रेवन्ना को एक्सपोज कर रही हैं। सुप्रिया जी, आपकी ये स्किल्स तब कहां गई थी जब संदेश खाली में उत्पीड़न का मामला सामने आया था, तब आपने शाहजहां शेख को ऐसे एक्सपोज क्यों नहीं किया? तब आपके मुंह में क्या दही जम गया था? जिस रेवन्ना के खिलाफ जांच के लिए कमेटी बिठा दी गई है, जिसके लिए सिद्धारमैया जल्द से जल्द जांच पूरी करने के आदेश दे रही हैं, वही सिद्धारमैया 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। आप इस ट्वीट में देख सकते हैं कि कैसे सिद्धारमैया प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं, और ये बात 2019 की है। और पीड़िता की एफआईआर के अनुसार
ये पूरा मामला 2019 से शुरू हुआ था। क्या सिद्धारमैया की आंखों में तब पट्टी लगी हुई थी, या फिर इतने सालों बाद भी सिद्धारमैया महिलाओं के साथ हो रहे इस अत्याचार को बोलने में असमर्थ थे, या फिर सवाल ये भी उठता है कि चुनाव के बीच सिद्धारमैया की अचानक नींद खुल गई है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है। उनका बचाव कर रहे हैं। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है, हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू, स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में हैं और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। इस प्रकार की घटनाओं को सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अपर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृशक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं। तो गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि देश की मातृशक्ति और नारी शक्ति का अपमान वो नहीं होने देंगे, लेकिन गृह मंत्री जी आपके ये उच्च विचार उस वक्त कहां गए थे जब मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, और क्या अब ये आपके विचार लौट कर वापस आ गए हैं? इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब कर्नाटक में इतने सालों से कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। इस बीच मंगलवार को सांसद प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस से निलंबित कर दिया गया। प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। पार्टी की कोर कमेटी के अध्यक्ष जीटी देवगौड़ा ने कहा कि हमने अध्यक्ष को एसआईटी जांच पूरी करने तक के लिए प्रज्वल को पार्टी से सस्पेंड कर देने के आदेश दे दिए हैं। तो अब इस पूरे मामले में क्या कार्यवाही होती है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन सवाल ये है कि जनता की आवाज बने नेता अपने पद के रुतबे की आड़ में कब तक यूं ही हमारे देश की माताओं, बहनों और मासूम बच्चियों का चीर हरण करते रहेंगे, और कब तक यूं ही राजनीति का बेटियों की इज्जत से समझौता किया जाएगा। इस मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और इस वीडियो से जुड़े हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बने रहिए खबर विभाग के साथ।